अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पास्ता बनाने की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो नीचे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने यहाँ पर पैन में 2 चम्मच ऑयल लिया है और 1 क्यूब मैंने यहाँ पर बटर लिए है। आप चाहे तो सिर्फ बटर या फिर सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हो। मैंने यहाँ पर ऑयल और बटर दोनों लिया है। अब हम यहाँ पर एक बड़ी साइज की प्याज को बारीक काट कर ले लेंगे। प्याज का कलर बदलने लगेगा, प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है जिसके मैंने छोटे पीसेस करके धोकर साफ करके ले लिया है। 200 ग्राम चिकन का मैंने इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन के छोटी पीसेस मैंने करवाए हैं। अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ ऐड करें। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के हमने बहुत छोटे पीसेस करवाए हैं इसलिए चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद पैन को कवर करके लो फ्लेम पर हम चिकन को गलने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल के मैंने एक बार चिकन में चम्मच हिला लिया है। अब मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड की है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजेस यहाँ ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1/2 कप शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब मैंने यहाँ पर कूटी हुई लाल मिर्च ली है 1 छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर कूटी हुई काली मिर्च ली है, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। मैंने यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब का इस्तेमाल किया है। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमें बस इसे सॉटे करना है, हमें शिमला मिर्च को यहाँ पर ज्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता सॉस। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पास्ता सॉस लिया है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप तंदूरी मायोनीस इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास तंदूरी मायोनीस ना हो तो आप रेगुलर मायोनीस भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पास्ता सॉस लिया था और 1/4 कप मैंने यहाँ पर तंदूरी मायोनीस लिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी लिया है। पानी डालने के बाद हमें इन सबको अच्छे से एक बार और मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को हाई करना है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकदम क्रीमी और टेम्पटिंग पास्ता सॉस हमारी बनकर तैयार है। चिकन भी हमारा कुक हो गया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर पास्ता ऐड करने हैं। मैंने पास्ता को बॉईल करके रखा है। मैंने यहाँ पर पेने पास्ता का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद की कोई भी पास्ता ले सकते हो। पास्ता को ओवर कुक नहीं करना है। पास्ता हमारा 95% तक होना चाहिए। पास्ता को हम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लुक से ही आप गेस कर सकते हो कितने टेस्टी और टेम्पटिंग पास्ता हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ऐसे ही नई नई रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद हम ढक्कन ढककर लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पास्ता को सॉस के साथ पकने देंगे, जिससे जो ये सॉस का फ्लेवर है वो पास्ता में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे पास्ता बहुत ही क्रीमी और फ्लेवरफुल और टेस्टफुल लगेंगे। आप लुक से गेस कर सकते हो आपको पास्ता की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके बताना ना भूले। चिकन पास्ता हमारे तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 क्यूब चीज को श्रेड करके ऐड किया है। ढक्कन कवर करके हम 1 मिनट तक चीज को मेल्ट होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर चेक करेंगे, चीज हमारी मेल्ट हो गई है। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हो या विदाउट चीज भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग चीज चिकन पास्ता हमारे बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फिर मिलेगी एक नई रेसिपी के साथ।